जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करती है, आज यात्रियों के लिए प्राइम कार्यक्रम की घोषणा की है। ये कार्यक्रम जो कि नई पहल और उपायों की मेजबानी करेगा, लक्ष्य यात्रियों का अनुभव और सेवा का एक उन्नत स्तर प्रदान करेगा। जीएचआईएएल ने एक बयान में कहा है कि इस नए कार्यक्रम के तहत पहल में हवाई अड्डे सभी यात्रियों के सहायता और समर्थन के लिए हवाई अड्डों पर उपलब्ध युवा यात्री सेवा एसोसिएट से अधिक से एक समर्पित टीम को तैनात कर रही है। ये पीएसए यात्री इंटेलिजेंसी की भूमिका निभाएगा और वह यात्रियों को विशेष जरूरतें जैसे कि माताओं को अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं, शिशुएं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य यात्रियों के साथ, कम गति वाले यात्रियों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को विशेष सहायता प्रदान करेगा। पीएएसए के रूप में चुने गए कर्मचारी रामकृष्ण मत हैदराबाद के तत्वाधान में उम्दा सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जीएचआईएल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एसजी के किशोर ने कहा है कि हवाई अड्डों की क्षमता के विस्तृत करने के लिए कदम पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं और अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू करने की संभावना है। यात्री प्राइम कार्यक्रम हवाई अड्डे पर यात्री अनुभव को बेहतर बनाने पर हमारे निरंतर ध्यान की एक प्राकृतिक प्रगति और हम इसे विभिन्न पैसेंजर केंद्रित पहलुओं के विभिन्न योजनाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले एक मेजबान के लिए आम प्लेटफॉर्म बनाने का इरादा रखते हैं।